इस वीडियो में लाइव डेमो पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे आप लोग LMS पोर्टल पे लॉगिन करोगे, यानी कि ICAI डिजिटल लर्निंग कैंपस पोर्टल पे कैसे लॉगिन करोगे डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, क्यों लॉगिन करना पड़ेगा, तो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन जो करना है, ध्यान से बातें को सुनते रहिएगा। इसके बारे में जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन को मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्यों कंप्लीट करना है, आपको सेट ए एंड सेट बी का जो 40 आवर्स का लेक्चर है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल का ड्यू कोर्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे ही आएगा चार्टेड स्टडीज अपडेट कर देगा। MCQ पैटर्न में होगा, कैसे क्या एग्जाम होगा अभी इसके बारे में नहीं सोच। जिनका CA फाइनल May 24 में एग्जाम है तो वो एग्जाम के बाद ये सब चीज को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जिनका November 24 में एग्जाम है तो एग्जाम से पहले कंप्लीट करना पड़ेगा लेक्चर को, उसके बाद ही आप टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा ड्यू कोर्स में, लेकिन इसको लॉग इन करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप या नहीं तो डेस्कटॉप के थ्रू ही लॉग इन कर सकते। लैपटॉप में वेबकैम होता है, डेस्कटॉप में नहीं होगा तो आपको लगवाना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों, लॉगिन करने का कौन सा वेबसाइट है, तो lms.icai.org के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, साइन इन विथ SSP या दूसरा है कि लॉगिन विथ OTP। वैसे ये पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग साइन इन विथ SSP करते हो तो आपको SSP पोर्टल का यूजर ID पासवर्ड यहाँ पे लिखना है। यूजर नेम में क्या लिखोगे, CRO NRO ERO WRO, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद @ICAI.org लगाना है और अपना पासवर्ड लिखना है, यानी कि सेम जैसे कि SSP पोर्टल का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड होता है उसी को यहाँ पे लिख देना है। बच्चों कुछ भी दिक्कत वाली बात है नहीं। एक और बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं लॉगिन कर पा रहे हो तो SSP पोर्टल पे सेम यूजर ID पासवर्ड से देखना क्या लॉगिन कर पा रहे हो, जवाब होगा हाँ, देन आप LMS पोर्टल पे भी लॉगिन कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद @ICAI.org और अपना SSP पोर्टल का जो पासवर्ड है उससे लॉगिन कर लेना है। ये दो तरीका से लॉगिन नहीं कर पाते हो, माफ करना, ये तरीका से, तो आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है OTP के थ्रू, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लॉगिन पे क्लिक करना, OTP चला जाएगा आपके मेल पे या नहीं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वहां से आपको लॉगिन करना है। दो तरीका है, तो मैं लॉगिन विद SSP पोर्टल के थ्रू कर लेता। तो जैसे ही लॉगिन करोगे आपके सामने न्यू डैशबोर्ड शो करेगा। अब ध्यान से बातें को सुनते रहिएगा, अभी जब आप पोर्टल पे लेक्चर देखने जाओगे तो हो सकता है फेस डिडक्ट ना करे, वेबसाइट सही से नहीं रन हो, बहुत सारा अभी टेक्निकल ग्लिच चल रहा है इस पोर्टल पे। जितना मेरे पास अपडेट आ रहा है सही से ये वेबसाइट पे आपको पूरा साइट भी नहीं चल रहा है, इसके अंदर डैशबोर्ड भी सही से नहीं रन हो रहा है, साथ में जब आप लेक्चर कंप्लीट करने जाओगे तो फेस भी डिटेक्ट नहीं होगा, तो ये सारा प्रॉब्लम अभी चल रहा है। मैंने आपको क्या बोला, लॉगिन कैसे करना, क्या आप लॉगिन कर पा रहे हो, जवाब है हाँ लॉगिन कर पा रहे हो, तो 24 से 48 घंटा का इंतजार करना, मेरे हिसाब से 72 घंटा के अंदर में जितना सारा प्रॉब्लम है इस पोर्टल पे वो सारा प्रॉब्लम को ठीक कर दिया जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा क्या आपने लॉगिन कर लिया या लॉगिन करने में कोई दिक्कत हो रहा है। मैंने तरीका बता दिया कैसे क्या लॉगिन करना, बाकी पोर्टल पे अभी प्रॉब्लम चल रहा है वो जल्द ही ठीक